Just wanna be with you. सलार मूवी को उसकी एक्शन की वजह से कम और कंट्रोवर्सीज की वजह से ज़्यादा जाना जाएगा। इसके बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें हैं, तो पहले अच्छी बातें ही क्यों ना की जाए। तो अच्छी बात यह है कि मूवी का एक्शन बहुत गजब है। प्रशांत लीन जब कुछ भी डायरेक्ट करते हैं तो उसमें एक्शन का तड़का बहुत तगड़ा डालते हैं वो, और वो है, वो बिल्डअप देखने को मिलता है, वो हाइप देखने को मिलता है। बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम हो चुकी है कि हमने KGF देख रखी है और ये मूवी उस पैमाने पे खरे नहीं उतरती है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो उस मूवी की हाइप, जो बिल्डअप थी, हाइप इस मूवी की भी थी बट उतनी नहीं, और वो बिल्डअप नहीं दे पाई ये मूवी। अगर एक्टिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ था ज़्यादा करने को। जो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ ही बहुत सारे एक्टर्स जा रहे थे, चाहे वो हम पृथ्वीराज की बात करें या हम प्रभास की बात करें, नो डाउट दे आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। उन्होंने बहुत सारा काम ऐसा करके दिखाया है जिन पे उन्होंने अपने एक्टिंग की मोहर लगा रखी है। बट इस मूवी में एक वो हाइप जो मतलब हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो एक्टिंग का बार होगा जो कि KGF में था, वो नहीं है। और सबसे तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है KGF का मिक्सअप। अगर ये चीज़ KGF के यूनिवर्स में घट रही है तो आई वुड लव टू सी सम ऑफ द कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होना या उसका मेंशन होना, जो कि कहीं नहीं हुआ। और बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये तो वही जगह है, ये इंडिया तो हो ही नहीं सकता। इसमें बताया गया है कि इंडिया के बाहर है, लेकिन इंडिया का ही कल्चर था और इंडियन कल्चर इज़ समथिंग जो कि तुम कहीं भी किसी भी स्टेट में जाओ, कहीं भी जाओ, वो चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे रहने का तरीका है, मतलब जो ये घर बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का तरीका है, तो वो थोड़ा सा फॉरेन से इंस्पायर्ड लग रहा था मुझे। कुछ जहाँ कुछ जगह ऐसी थी जो गलियाँ थी जो कि कबीले बस्ती ऐसा पूरा 90s 80s का ख्याल दिखाता था, और कुछ ऐसा लग रहा था कि हम सीधे USA में पहुँच गए। तो वो थोड़ा सा आगे पीछे वाली चीज़ें हो जाती हैं और वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बेसिक तौर पे अगर तुमको ये मूवी देखनी है तो तुम जाके देख सकते हो एक्शन की वजह से और ड्रामा की वजह से, कि एक्शन और ड्रामा बहुत है इसमें और तुमको वो देख करके मज़ा आएगा। एक आध ऐसे सीन है जो बहुत ज़बरदस्त है, तो जाके एक बार देख सकते हो ये मूवी।